आज से ठीक लगभग एक साल पहले 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। मामला था ड्रग केस का। आर्यन खान इलीगल ड्रग ले रहा था, ऐसी बातचीत चलाई गई थी। उसके बाद दोस्तों काफी कड़ी कार्रवाई हुई और दिवाली से कुछ दिनों पहले ही आर्यन को छोड़ दिया गया और प्लस सारे जो सबूत हैं वो बेबुनियाद करार कर दिए गए शाहरुख साहब के शहजादे आर्यन। और अब फाइनली जो फैमिली चुप्पी धारण की हुई थी, यानी कि मैं दोस्तों खान परिवार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोल डाली है बड़ी बात एक साल पूरे होने पर। स्वागत है चैनल टेली खजाना में, मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों शाहरुख खान साहब की वाइफ गौरी खान ने फाइनली इस बात पर से चुप्पी तोड़ डाली है। जी हाँ, गौरी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, गौरी जी ने, और उन्होंने इंटरव्यू में एक बातें कही है कि इससे बुरी और शर्मनाक चीज़ हमारे परिवार में आज तक नहीं हुई। दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर गौरी खान के एग्जैक्ट जो शब्द हैं वो ये हैं, आई थिंक नथिंग कैन बी वर्स देन वट वी हैव जस्ट बीन थ्रू, बट टूडे वेयर वी स्टैंड एज अ फैमिली आई कैन से दैट वी आर इन अ ग्रेट स्पेस वेयर वी फील लव्ड बाई एवरी वन। गौरी जी ने बोला कि ये जो चीज़ थी ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ थी, वर्स्ट चीज़ थी जो कि हमारे साथ हुई थी, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी फैमिली जो है वो यूनाइट हुई है और हम एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं इस वक्त। दोस्तों आपको बता दूं तो शाहरुख साहब ने इस मामले में अभी तक चुप्पी धारण कर रखी है। उन्होंने हाँ आर्यन की बहुत मदद करी और उन्होंने मतलब कि वो कहते हैं ना कि स्वर्ग पाताल एक कर दिया और लॉयर्स के साथ बैठकर मीटिंग करके, जबकि उनका प्रोजेक्ट पठान शूट हो ही रहा था, डंकी जवान शूट हो ही रहे थे, उसके कारण तो डंकी जवान भी थोड़े पोस्टपोन हुए। तो ऐसे में शाहरुख साहब जो है बैक टू बैक मेहनत कर रहे थे, शाहरुख साहब जो है बैक टू बैक लॉयर्स से बातें कर रहे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने चुप्पी अभी तक धारण करी हुई है। लेट्स सी क्या होता है, आपको क्या है कहना कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।